Hi, in this video I'm going to teach you some linking words for your speaking and your writing. So for adding ideas, मतलब आप कोई बात करें और आप उसमें कोई idea और add करना चाहते हैं. So speaking के लिए you can use these words. You can use also, not just that, what's more, as well as that, and another thing. मतलब आप कोई बात करें तो आप उसके आगे also यूज करके आप अपनी आगे जो है इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है. एंड फॉर राइटिंग यू कैन यूज फर्दर मोर एंड मोर ओवर. सो राइटिंग के मेरे पास हार्ड कॉपी में मैं यहाँ पे ये मेंशन जो है ये येलो में मैंने उनको कलर किया. लाइक अब ये देखें यहाँ पे मोर ओवर, फर्दर मोर एंड मोर ओवर है यहाँ पे. तो मोर ओवर ये है और फर्दर मोर मतलब पीछे से हम एक बात कर रहे हैं. बॉडी पैराग्राफ, दिस बॉडी पैराग्राफ इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कार, ठीक है. ये बॉडी पैराग्राफ में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कार. ये जो सेकेंड बॉडी पैराग्राफ है इसमें भी हम एडवांटेजेस ही डिस्कस करें, क्योंकि दिस एसे इज अबाउट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड. मतलब प्राइवेट कार्स का एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस, तो हम एडवांटेजेस ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हमने एडवांटेजेस डिस्कस की, तो फिर हमने फर्दर मोर यूज करके सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में भी एडवांटेजेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है. फिर हमने थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस की, मतलब जस्ट लाइक इन थ्री लाइन्स. सो यहाँ पे हम बात करें ऑन द अदर हैंड, ये भी लिंकिंग वर्ड्स हैं. द अदर हैंड द डिसएडवांटेजेस of the car cannot be overlooked. The increase in pollution, traffic jams and accidents are the natural sequel to the burgeoning population of cars. Moreover, मतलब ये भी हम एक आइडिया जो वो एड कर रहे हैं ना, ठीक है. हमने यहाँ पे क्या बात की, एडिंग आइडियाज, उसके लिए हम यूज करें फर्दर मोर एंड मोर ओवर. तो हम आइडिया एड करें, डैट्स वाई वी हैव रिटन मोर ओवर. Over dependence on cars can lead to decrease in practices such as walking and cycling, and this has led to a number of diseases such as obesity. इसको भी मैंने कलर किया है, ये हम नेक्स्ट में देखेंगे क्योंकि इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ये भी लिंकिंग वर्ड है, ओके. सो ये हमने देख लिया. एडिंग आइडियाज के लिए हम स्पीकिंग के लिए ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं और राइटिंग के लिए ये. सो रिजल्ट्स के लिए हम स्पीकिंग में यूज करते हैं सो. That's why, as a result. And writing में हम use कर सकते हैं in consequence, therefore, and as a result. Now we will see how we can use this word therefore in our sentence. So, look at this sentence. For instance, you can go from destination to destination and no time is wasted waiting for the bus or train. Therefore, time and distance are not a barrier anymore. मतलब एक sentence हमने लिखा है और फिर हमने उसका जो result है वो लिखा है कि therefore, time and distance are not a barrier anymore. So this is how we can use these words in our writing. हम as a result भी लिख सकते हैं and in consequence भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं. In consequence भी लिख सकते हैं. In consequence, time and distance are not a barrier anymore. And we can also write as a result, time and distance are not a barrier anymore. Next is giving examples. So for speaking, अगर आप कोई example देने लगे, then you can say like. आप कोई sentence आप बोलेंगे and then example देने के लिए आप कह सकते हैं like, or you can say such as, for example, for instance. अब ये जो वर्ड है ये इनफॉर्मल वर्ड है और बाकी ये जो है ये फॉर्मल है. अब जो राइटिंग है उसमें आपने सिर्फ फॉर्मल वर्ड्स यूज करने हैं, फॉर्मल इंग्लिश यूज करनी है. बट इन स्पीकिंग यू कैन ऑल्सो स्पीक इनफॉर्मल वर्ड्स. ये लाइक जो है ये आप राइटिंग में यूज नहीं कर सकते, ये इनफॉर्मल है और इसे बैड इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे. सो फॉर राइटिंग यू कैन यूज सच एज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस. जब आप एग्जाम्पल देने लगे तो अब इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं. हम पीछे से एक बात करें, देर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ कार. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज दैट इट हैज गिवन पीपल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. द ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच अ कार ब्रिंग्स इज मोर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फॉर इंस्टेंस,
एंड हेयर यू कैन ऑल्सो राइट फॉर एग्जाम्पल और यू कैन राइट सच एज यू कैन गो फ्रॉम डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन एंड नो टाइम इज वेटिंग वेस्टेड वेटिंग फॉर द बस और ट्रेन. ओके सो दिस इज हाउ यू कैन गिव एग्जाम्पल्स इन योर राइटिंग. नेक्स्ट इज शोइंग कंट्रास्ट. सो अगर आपने मतलब कंपेरिजन शो करना है दो सेंटेंसेस में देन इन स्पीकिंग यू कैन यूज दीज वर्ड्स दो बट इवन दो एंड इन राइटिंग यू कैन यूज ऑल दो बट हाउ एवर. लाइक लुक एट दिस कंक्लूजन. On balance, the advantages to people's life and the economic impact created by the car definitely outweigh the disadvantages. However, मतलब एक जो हम बात कर रहे हैं उसके कंट्रास्ट में हम दूसरी बात करने लगे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे however, but, although. So however, we must know when and how much to use the car so that we can minimize the demerits to some extent. Okay. Now you understand how we have to use these words in our speaking and in writing. Although, but, however, for showing contrast. And also see this example. For although, to conclude, it can be said that although traveling at a young age involves time and money, it is worthwhile and has a lot of benefits for the youth. So if the young people get the chance to broaden their horizons and go and experience new places, it may make a world of difference to them. Okay, so these are linking words and learn how to use them in your speaking and in your writing and when to use them. अगर आप यही pattern follow करेंगे like ideas को add करने के लिए these words for results. For speaking these words and for writing these words and for giving examples and for showing contrast. Practice them in your speaking as well as in your writing. And अगर आपको इसका सही यूज करना आ जाएगा then you would be able to get 7+ band scores in your speaking and in your writing. Okay, so that's all for this video. If you have any questions, you can ask me in comments.